हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं पुष्पिन चौधरी और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके पीछे के रीज़न बताता हूं। आने वाली जितनी भी तमाम भर्तियां हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो पशुधन सहायक हो या आने वाली कॉलेजों में जो है कृषि पर्यवेक्षक हो या TATU, सभी तमाम भर्तियों की जो जानकारी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किस स्टेट में आ रही है, कुछ भी X Y Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। जैसे अभी कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा है 18 सितंबर को, तो उसकी कट ऑफ जो है अनुमानित कट ऑफ भी जारी की जाएगी, वो भी इसी चैनल पर बिल्कुल सटीक की जाएगी। आंसर की बात हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है। जैसा कि पता है कि 18 तारीख को आपका एग्जाम है, तो किस प्रकार से जो है चीज़ें आपके प्रत्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसा सबसे पहला, तो 3 दिन हैं आपके पास, और 3 दिन हैं तो इसका मतलब आपको रिविज़न करना है। कई विद्यार्थियों का मेरा एक क्वेश्चन आता है, कई विद्यार्थी कहते हैं सर एग्जाम के दिन पढ़ना चाहिए क्या? देखो, एग्जाम के दिन तभी पढ़ना चाहिए जब आप हवड़ हवड़ करके नहीं पढ़ते हो। एकदम माइंड को शांत कर यदि आप पढ़ते हो तो आप पढ़ सकते हो, है ना, एग्जाम के दिन। वरना यदि हवड़ हवड़ करके पढ़ोगे तो उसमें आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर मन आपका एकदम शांत है तो आप पढ़ सकते हो, वरना मत पढ़ना एग्जाम के दिन, ठीक है। ये बात हो रही है, 3 दिन है, 3 दिन आपको रिविज़न करना है। एक छोटा सा जो है वाक्य बताता हूँ मैं आपको। 4 साल पहले जो है जब से मैं पढ़ाने लगा हूँ, कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है क्लासरूम में क्या है कि बहुत अच्छा आंसर देते हैं और एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस नील रहती है। सबको चाहता है नील रहती है, कारण उसके क्या है, कहीं आप वो गलती ना करो, क्योंकि जो बंदा तैयारी करता है कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता है और एक विद्यार्थी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो उसमें से आपके मन में क्या है वो आप तय करें। जैसे वो विद्यार्थी क्यों सेलेक्ट नहीं होता था, एक तो सबसे बड़ी बात उसके पेशेंस, धैर्य की कमी थी, धैर्य बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखता था। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हम तो सर्वज्ञाता हैं, हमें तो सब आता है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कतई नहीं रखना है, सिंपल आपको रखना है, आपका मान जो मन है वो बिल्कुल शांत रखना है। तीसरा, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ना। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, नेगेटिव। पेपर इतना ईजी आएगा कृषि पर्यवेक्षक का कि आप मानोगे नहीं, बहुत ईजी पेपर आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप नेगेटिव कर दोगे, है ना। और ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि क्वेश्चन डिलीट होंगे, डिलीट होने से कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि जो कट ऑफ निर्धारित होती है वो क्वेश्चन जब डिलीट होते हैं उसी के आधार पर जो है कट ऑफ को बनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन जो है डिलीट 100% होंगे, ये फिक्स है। 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आपके डिलीट होंगे, ये कन्फर्म है। अब बात करें कि आपको जो है जल्दी जल्दी, चौथा कारण क्या था भाई, विद्यार्थी, मैंने बताया कि विद्यार्थी, एक तो आपके धैर्य की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ना और जल्दी जल्दी में आंसर देना। क्या करते हैं विद्यार्थी जल्दी जल्दी, अरे यार ये तो मुझे भी आता है, अरे दादा 4 ऑप्शन तो पढ़ो, क्या पता बेस्ट ऑप्शन हो। एग्रीकल्चर हमेशा याद रखना, एग्रीकल्चर में एक चीज़ याद रखना, बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना होता है। एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे सीड रेट, बीज दर की बात करें, अब बीज दर कई बुकों में, कोई कहीं की बीज दर जो है 12 से 15 है, किसी में 15 से 20 आप पढ़ोगे। अब उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है वो आपको चूज करना है। यदि 4 ऑप्शन आपने नहीं पढ़े तो बेस्ट ऑप्शन आपने चूज नहीं किया, फिर आप कुछ भी कर लो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे मूल मंत्र क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मूल मंत्र है नेगेटिव को रोकना। जो सबसे कम नेगेटिव करेगा उसका सिलेक्शन होगा, और जो नेगेटिव करेगा उसका सिलेक्शन से बाहर है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आएगा, इसका मतलब नेगेटिव करवाएगा। तो इसलिए उसके जो है मैं एक मूल मंत्र बताता हूँ, उसको गहराई में, दिल की गहराई में और आपके माइंड की गहराई में रख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर सोचना है और फिर आपको उत्तर देना है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले विद्यार्थी क्या डरते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिनको ऐसा लगता है कि हम सर्वे जाता है, वो क्या डरते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं सोचते बाद में, समझ रहे हो, सोचते बाद में। तो आपको क्या करना है, मैं फिर बोल रहा हूं,
तीन चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, दूसरा सोचना है, और तीसरा अच्छे से आपको जो है उत्तर देना है, और गोला भरते टाइम भी आपको याद रखना है। तो ये तीन चीज़ें आपको महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में आपके लिए वरदान साबित होंगी। आपने जो पढ़ा है वो बहुत है, सफिशियंट है, सिलेक्शन के लायक इतना ही पढ़ा जाता है, 100% पर सिलेक्शन थोड़ी होता है, समझ रहे हो। 100 में से यदि आपने 85 क्वेश्चन भी कर दिए ना तो भी सिलेक्शन है, प्रॉब्लम कहाँ है। बात है कि उस 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो, नेगेटिव ज़्यादा करते हो। तो इस चीज़ का याद रखना, नेगेटिव कतई नहीं करना है, ठीक है। तीन मूल मंत्र पढ़ो, सोचो, उत्तर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एडमिट कार्ड की बात करें, भाई एडमिट कार्ड आज ही आप निकलवा लें और टेंशन नहीं लें। पेपर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि कितना इजी आता है। आज ही आप एडमिट कार्ड निकलवा लें, एडमिट कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, और एक पेन, पेन आप दो ले जाना, ब्लू पेन ले जाना, है ना। चार चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जानी है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बहुत ईजी आता है। और एक और चीज़ जो आपके काफ़ी विद्यार्थियों के मन में अब डर, पता डर किसको लगता है, जिसकी सबसे ज़्यादा मजबूत तैयारी होती है, डरता वही है, एग्जाम से वही डरता है जिसकी सबसे ज़्यादा मजबूत तैयारी है। यदि आप डर रहे हो ना तो इसका मतलब आपकी इतनी मजबूत तैयारी है कि आप क्वालिफाइड हो सकते हो। बस बसरते उस डर पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल करना है। और डर पर कंट्रोल करने का एक ही चीज़ है, एग्जाम सेंटर में जब आप बैठो तो अच्छे से शांतिपूर्वक मन को एकदम शांत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जल्दी जल्दी बिल्कुल मत करना, 100% आपका सिलेक्शन होगा, है ना। डर सबको लगता है, लेकिन जो ज़्यादा तैयारी करता है उसको ज़्यादा डर लगता है, याद रखना। और जिसकी तैयारी नहीं है वो तो मस्त मौला रहता है, क्योंकि उसको तो क्या हो नहीं हो उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तैयारी करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एनी हाउ सिलेक्शन लेना ही उसका एक मात्र उद्देश्य होता है, ठीक है। तो अब बात करें, ये तो ये कुछ ज्ञान की बात है जो आपको एग्जाम सेंटर पर याद रखनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पेपर की बात करते हैं, पेपर के एनालिसिस की बात करते हैं। आपके तो टफ पेपर आता है, इतना इजी आता है, जैसे देखो हॉर्टिकल्चर, समझना, हॉर्टिकल्चर में एक क्वेश्चन आया था कि भारत किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन, अरे भारत में सिंपल तो है, केला का है, क्षेत्रफल में आम है, समझ रहे हो, सिंपल पेपर है, किसको नहीं पता, सबको पता है, हर एग्जाम में आता है। प्रॉब्लम कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो जाते हो, अरे यार आम पढ़ा था, आम तो भाई क्षेत्रफल का है, प्रॉब्लम वही है, आप जो पढ़ते हो वही आता है, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब गरीब आदमी का संतरा सबको पता भाई, टमाटर होता है, कितने इजी क्वेश्चन आए थे। विंटर चेरी है ना, विंटर चेरी जो है इसको इंडियन जिनसन भी कहते हैं, अब जैसे अश्वगंधा को विंटर चेरी कहते हैं, कितना इजी आया था। अब आपसे पूछ ले इंडियन जिनसन किसे कहते हैं, अश्वगंधा को कहते हैं, जिसको पता है वो कर देगा, है। सेकंड शिलाजीत किसे कहते हैं, आपकी सफ़ेद मूसली होते थे, सिंपल आता भाई पेपर, बहुत ईजी आता है। बस हम क्या है जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, है ना, याद थोड़ी रहता है अपने को कि भाई शिलाजीत का क्या सेकंड, अभी पूछ ले एग्जामिनर सेकंड शिलाजीत का, हम तो जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं। स्टेमलेस, तना रहते जो है, औषधीय पौधा कौन सा है, ये सब रोल है आपका, चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन प्रॉब्लम कन्फर्म नहीं पता होता है। अब जैसे एक आया था अफ्रीकन मैरीगोल्ड, किसने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है, फिर भी काफ़ी विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे। अनार में कौन सी बार आती है, अरे भाई सबको पता है मृग बार आती है। विटामिन सी का स्रोत क्या है, बारबेंडस चेरी है। आम की बोनी किस्म आम्रपाली होती है, किसको नहीं पता, इतना ईजी पेपर। अंगूर की जो है सनाई जो होती है उसमें पंडाल विधि सबसे अच्छी होती है। हाँ दो चार क्वेश्चन, अब जैसे किन्नो है, किन्नो का जो है कौन सा जिला है, गंगानगर हनुमानगढ़, इतना ईजी पेपर, प्रॉब्लम नेगेटिव, है ना, बहुत ईजी पेपर आता है, बहुत ईजी, और इस बार भी बहुत ईजी आएगा। और जब ईजी आएगा तो इसका मतलब एक ही चीज़ है, नेगेटिव, नेगेटिव ज़्यादा होंगे। जिसने नेगेटिव पर कंट्रोल कर लिया उसका सिलेक्शन है, जिसने नहीं किया सिलेक्शन से बाहर है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप भले 100 के 100 ठोक के आ जाओ, लेकिन आपके यदि नेगेटिव कंट्रोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेगेटिव पर कंट्रोल नहीं है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो, सीधी सी बात है। जैसे आपकी एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी में तो कितना ईजी आता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना पानी होता है,
संकुल मट्टा की प्रमाणित बीज, अब ये न्यूनतम पृथक्करण दूरी आपको ट्वेल्थ क्लास, जो ट्वेल्थ क्लास की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वही माननी है। अभी पृथक्करण दूरी में आपको क्या मानना है, ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो पृथक्करण दूरी देती रहती हैं 5-7 पृथक्करण दूरी हैं वही माननी है, ठीक है। अब जिया मेज एवर्टा किसको नहीं पता है कि पॉपकॉर्न क्या कहते हैं, क्लोरोफिल का अभी अब जो है मैग्नीशियम होता है, यार इतना तो ईजी था। आलू की सुसुप्त अवस्था थायोरिया, अब बताओ पेपर कौन कहता है कि टफ पेपर आएगा, वो तो कोचिंग वालों ने जो है लेवल को ऐसे टफ कर दिया और बहुत हवा बना दिया पेपर का, अरे इजी आता है क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन करने चाहिए थे। एक जो है मैं एक कहना चाहूँगा, मैं वास्तव में एक मैं तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि मैं पूरे इंस्टीट्यूट के चैनल देखता हूँ, तो एक जो इंस्टीट्यूट के चैनल VND कैरियर क्लासेस, वास्तव में उन सर की मैं तारीफ करूँगा, उन्होंने जो क्वेश्चन का लेवल रखा है वो वही रखा है जो एग्जाम पैटर्न है, बाकी सब ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया है लेकिन BND वाले सर ने बिल्कुल लेवल वही रखा है जो एग्जाम में है, और मैं गारंटी देता हूँ उनके सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत इजी आता है। देखो अब जैसे एस्टोमेटा बंद करने वाले किसको नहीं पता भाई पोटेशियम है, और ये डाय के दूध का पीला रंग किसको नहीं पता कैरोटीन के कारण होता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है सबको पता है, करनाल में है भाई है। बसाटा पता किससे लगाते हैं, गड़बड़ विधि से लगाते हैं, समाज भेड़ में समागम की क्रिया टपिन कहलाती है, अभिकालीन अभिवस्त्र ये सब भेड़ की हैं, ठीक है। सब बहुत इजी पेपर है, इतना इजी पेपर। अब राजस्थान GT की बात करें आप हुआ समझ रहे हो, अरे 2-4 क्वेश्चन तो आउट ऑफ आते हैं यार सिलेक्शन, एक बात है तो 5 क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए तो विद्यार्थी को कह देते बहुत टफ पेपर था, वो 5 क्वेश्चन जो टफ आते हैं उनसे सिलेक्शन नहीं होता है, समझ रहे हो। आपने यदि 95 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना जो आपके पढ़े हुए आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 95 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे, प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हमें नहीं पता, हमें तुल्यांक की भार ही नहीं पता होता है। अब तुल्यांक की भार अमोनियम सल्फेट का एक तुल्यांक की भार आया था उसमें 110 आंसर था, नहीं पता है। अब यहाँ आपसे अमोनियम क्लोराइड का पूछ लिया 100 जो है आपके 28 के समथिंग होता है ना, एनहाइड्रस अमोनिया का पूछ लिया 148 होता, कई विद्यार्थियों को नहीं पता होता है, कई विद्यार्थियों को यूरिया का नहीं पता होता है कि यूरिया का कितना होता है, फिर एक क्षारीय तुल्यांक भी होता है डाई कैल्शियम फास्फेट का कितना होता है, सोडियम फास्फेट का कितना होता है, सोडियम इसका जो है कितना होता है, ये सब सिंपल क्वेश्चन आता है फिर भी पता नहीं जन क्यों आप हवा बना के बैठे हो। राजस्थान GT की चर्चा कर लेते हैं। देखो ऊँट महोत्सव किसको नहीं पता भाई, ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़न गिलेरी, ये उड़न गिलेरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण पुराना ही पेपर था, 25 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन तो पुराने ही आए थे, 5 क्वेश्चन नए आए थे, अरे 20 क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन हो रहा है, 5 पे थोड़ी हो रहा है, चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अब ठीक है इसके अलावा जैसे अब ये काजरी आपके काजरी आया था जोधपुर में किसको नहीं पता, टटारगढ़ जो है राजस्थान के किस किले में है, कुंभलगढ़ में है, डमैती जो है मीणा इनका होता है किसको नहीं पता भाई, डमैती जो है इसका आपके भील का होता है, चूप दांत में पहना जाता है आभूषण, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, बीजा और माला सासी जनजाति है, एटलिन मातम में संस्कृत भाषा में है, ये लोग बहुत ईजी, इतना तो ईजी पेपर था। लांगुरिया गीत मीणा जाति द्वारा जो है ये केला देवी पर गाए जाते हैं, यार इतना तो ईजी पेपर था फिर आपने पता नहीं हुआ क्यों बना के रखा है, समझ रहे हो। तो ये आपका जो पेपर लेवल है वो बहुत इजी आता है माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ नेगेटिव पर कंट्रोल रखोगे, और दूसरी चीज़ फिर बोल रहा हूँ 3 मूल मंत्र, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, दूसरा मूल मंत्र सोचना है, तीसरा मूल मंत्र आपको उत्तर देना है अच्छे से, है ना। एक चीज़ याद रखना, बेस्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर में है, आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका आंसर ये होगा, कई बार सीड रेट में भी बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और बेस्ट ऑप्शन कहाँ से आप मानोगे, जो 11th और 12th की जो क्लास की जो बुक है वही आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा यदि एग्जाम में आप रेट विजन, अब क्या होगा ठीक है। देखो अब थोड़ी सी चीज़ें और मैं क्लियर करता हूँ, हमारी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही, एग्जाम की बात हो रही, कैसे आपको एग्जाम देना है, रिविजन आपको करना ही है, सब कुछ बात हो रही। अब क्या होता है, काफ़ी विद्यार्थी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहते हैं एग्जाम सेंटर में भी, और कई बार क्या होता है जब आप पेपर दे के आओगे
तो कई बार क्वेश्चन डिलीट होंगे। क्वेश्चन डिलीट होने का या वापस आने का या आपके कोई भी क्वेश्चन के एरर का जो आधार है जिस पर आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो वो है 11th और 12th की बुक। इसलिए 11th और 12th की बुक में जो सीड रेट है वही मान्य होगी, जो किसी भी टेक्स्ट बुक में, किसी भी गाइड में, किसी भी कोचिंग संस्थान का कुछ भी मान्य नहीं होगा। आप किसी भी कोचिंग संस्थान का आप कुछ भी रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। करेंट डेटा में जो ऑथेंटिक है वही आपका फाइनल होगा, समझ रहे हो। तो बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फिर लास्ट चीज़, नेगेटिव कंट्रोल करना है एकदम शांतिपूर्वक, और चेहरे पे एकदम स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना, जब आप जाओ तो मन में थोड़ा सा, मैं फिर कहता हूँ, आस्तिक, थोड़ा सा आस्तिक भी आना चाहिए। भगवान का नाम लेके जाना, हाथ जोड़ के जाना, ऐसा नहीं कि मुझे पास करा दो बस, कि भगवान जी मेरा मन एकदम ऐसा शांत करना वहाँ एग्जाम में कि मैं, जो मेरी मेहनत है, जो मेरी इतने दिन से मैंने जो मेहनत जी जान की है, वो मेहनत जो है मेरी सफल हो जाए, सिर्फ इतना सा। क्योंकि देखो भगवान हमेशा सहायता करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की और भगवान जी आपको पास करा देंगे, ऐसा नहीं है। बस वहाँ पर आपका मन शांत रख सकते हैं, आपका सलेक्शन में भागीदार बन सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली तमाम भर्तियाँ कट ऑफ के बारे में हो या सब कुछ मैं आपको इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।